गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज अपने करेंगे लेसन 10th, जिसका नेम है नारी शक्ति की प्रकट प्रतीक भगिनी निवेदिता। मतलब नारी शक्ति की प्रतीक थी कौन? भगिनी निवेदिता ये थी। तो इसके बारे में ये लेसन में बताया गया, नारी शक्ति की क्या थी, ये प्रतीक थी भगिनी निवेदिता। ठीक है, अपने देश में बहुत कुछ कर गुजरने वाली महिलाओं से हमारा इतिहास भरा पड़ा है कि हमारे जो अपने देश है जो अपना, उसमें बहुत कुछ कर गुजरने वाली महिलाएं हैं से इतिहास भरा पड़ा है। मतलब कि महिलाओं का जो जैसे होगी, जैसे रानी लक्ष्मीबाई, उनकी क्या कर गुजरने वाली महिलाओं से हमारा इतिहास भरा पड़ा है। उन्होंने अपने लिए कितनी स्वतंत्रता के लिए कितना कुछ लड़ा, तो ये महिलाओं का इतिहास भरा पड़ा है। परंतु एक विदेशी महिला ने भारत के लिए जो कार्य किया वह अनूठा है। परंतु एक विदेशी मतलब दूसरे देश की महिला ने भारत के लिए जो कार्य किया वह अनूठा है। अनूठा मतलब अनोखा है। भगिनी निवेदिता स्वामी विवेकानंद से प्रभावित होकर उनके आह्वान पर भारत की महिलाओं को शिक्षित करने के लिए भारत आई थी। जो भगिनी निवेदिता थी वो स्वामी विवेकानंद से प्रभावित होकर, मतलब उनसे प्रभावित होकर, उनके आह्वान पर, आह्वान मतलब पुकार पर, भारत की महिलाओं को शिक्षित करने के लिए, भारत की जो महिलाएं थी उनको शिक्षा देने के लिए भारत में आई थी। उनका जन्म कहाँ हुआ था? आयरलैंड में हुआ था। उनका जन्म, जो भगिनी निवेदिता थी उसका जन्म कहाँ हुआ था? आयरलैंड में हुआ। परंतु उन्होंने भारत भूमि में अपनी मातृभूमि के दर्शन किए। मतलब भारत भूमि में उन्होंने अपनी मातृभूमि, जो जहाँ वह जन्मी थी, उनके दर्शन किए और भारत की बेटी बनकर, भारत की बेटी बनकर स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांतिकारी भूमिका निभाई। जो भारत की बेटी बनकर उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांतिकारी भूमिका निभाई थी। ठीक है, भूमिका मतलब योगदान, शिक्षित, पढ़ी लिखे। नेक्स्ट है, उनका पूरा नाम क्या था? मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल था। जो भगिनी निवेदिता थी उनका पूरा नाम क्या था? मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल था। उनके पिता का नाम सैमुअल रिचमंड नोबेल व माँ का नाम मेरी इसाबेला था, मेरी इसीबला। तो उनके पिता का नाम क्या था? सैमुअल रिचमंड नोबेल व माँ का नाम मेरी इसाबेला था। बचपन में ही इनके माता पिता का देहांत हो गया। मतलब देहांत मतलब निधन, मतलब मर गए उनके माता पिता दोनों के। इनका लालन पालन नाना हिमलटन द्वारा किया गया था। इनका जो पालन पोषण था वो किसने किया था? इनके नाना ने किया था, भगिनी निवेदिता के। हैमिल्टन आयरलैंड के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख सूत्रधारों में से एक थे। जो हैमिल्टन थे, जो उसके नाना थे, वो आयरलैंड के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख थे। मतलब सूत्रधारों में से एक थे, मतलब प्रमुख थे। सूत्रधार मतलब नायक या प्रमुख, नेतृत्वकर्ता। मार्गरेट की शिक्षा लंदन चर्च में आवासीय विद्यालय में हुई। जो मार्गरेट था, मार्गरेट एलिजाबेथ थी, उसकी जो शिक्षा थी वो लंदन में, लंदन चर्च में, लंदन चर्च है, लंदन चर्च में आवासीय विद्यालय में हुई। मार्गरेट को शिक्षण का कार्य अच्छा लगता था। मार्गरेट को क्या था? पढ़ाना, मतलब पढ़ाना क्या अच्छा लगता था। अतः वह 17 वर्ष की उम्र में ही एक विद्यालय में पढ़ाने लगी। मतलब वह जब 17 वर्ष की थी वह एक विद्यालय में, स्कूल में पढ़ाने लगी। वह समय द्वारा विकसित पद्धति से शिक्षा दिया करती थी। मतलब वह समय द्वारा विकसित, जो वह खुद विकास विकसित हुई थी, उस पद्धति से शिक्षा दिया करती थी, मतलब पढ़ाया करती थी। धर्म में रुचि होने के कारण चर्च की गतिविधियों में भी भाग लेती थी। मतलब धर्म में रुचि होने के कारण, उसे धर्म में रुचि थी, तो चर्च की गतिविधियों, मतलब गतिविधियाँ आती है क्रियाकलाप, किसी भी मतलब उसमें भाग लेना, गतिविधियों में भाग लेती थी। ठीक है, तथा अधिकांश समय अध्ययन, अधिकांश समय जो भी उसके पास टाइम मिलता था अध्ययन मतलब पढ़ती थी, पढ़ाई करती थी। मनन एवं सत्य की खोज में ही लगाती थी, मनन एवं सत्य की खोज में लगाती थी। खोज मतलब ढूंढना, मतलब अपना मन सत्य एवं खोज में लगाती थी। तभी एक घटना घटी जो उस उनके जीवन को एक नया मोड़ देने वाली थी। तब एक क्या थी? घटना घटी जो उसके जीवन को एक नया मोड़ देने आई थी। एक सन्यासी का लंदन में आगमन हुआ। एक सन्यासी मतलब लोग का कल्याण करने वाले साधु। एक सन्यासी का लंदन में आगमन, लंदन आया एक सन्यासी, नाम था स्वामी विवेकानंद। उसका नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद। स्वामी जी शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में ख्याति अर्जित कर अपने कुछ मित्रों के आग्रह पर इंग्लैंड आए थे। मतलब विश्व धर्म सम्मेलन में के कारण ख्याति कर अर्जित प्राप्त की, ख्याति मतलब प्रसिद्धि, प्रसिद्धि प्राप्त की और अपने
प्रसिद्धि प्राप्त कर करके अपने कुछ मित्रों के आग्रह पर क्या इंग्लैंड आए थे। कौन कौन आए थे? स्वामी जी। मार्गेट की स्वामी जी से प्रथम भेंट यहीं हुई थी। मार्गेट की जो स्वामी से जो प्रथम भेंट थी वो यहीं हुई थी, मतलब पहली बार वो यहीं मिले थे। मार्गेट ने स्वामी जी के प्रवचन सुने, प्रवचन मतलब उपदेश सुने मार्गेट ने। वाद विवाद तर्क वितर्क किया और अपने आप को पूर्ण संतुष्ट कर लेने के उपरांत ही उन्होंने स्वामी जी को अपना आदर्श चुना और स्वामी जी के आग्रह पर उन्होंने भारत आना तय कर लिया। मार्गेट ने स्वामी जी के प्रवचन सुने, वाद विवाद तर्क वितर्क किया। वाद विवाद मतलब किसी बात पर वाद विवाद, तर्क वितर्क वाद विवाद ही सेम ही है। तर्क वितर्क किया और अपने आप को पूर्ण संतुष्ट कर लेने, मतलब पूर्ण संतुष्ट कर लिया, मतलब मान गई के उपरांत ही उन्होंने स्वामी जी का अपना आदर्श चुना। स्वामी जी को क्या अपना आदर्श चुन लिया किसने? मार्गेट ने। और स्वामी जी के आग्रह पर उन्होंने भारत आना तय कर लिया, और उन्होंने स्वामी जी के आग्रह पर भारत आना तय कर लिया। भारत आकर वो अत्यधिक प्रसन्न हुई, भारत आकर वो अत्यधिक प्रसन्न हुई। वे गंगा के किनारे वेलूर मठ की एक कुटिया में दो अन्य अमेरिकन महिलाओं के साथ रहने लगी जो स्वामी जी की शिष्या थी। गंगा के किनारे कौन थी? वेलूर मठ की एक कुटिया थी, वेलूर मठ की एक कुटिया थी जहाँ दो अन्य अमेरिकन महिलाओं जो क्या थी, स्वामी जी की शिष्या थी, वहाँ उनके साथ रहने लगी। स्वामी जी ने मार्गेट को नया नाम निवेदिता दिया। स्वामी जी ने मार्गेट को क्या नाम दिया था? निवेदिता। और आग्रह किया कि वह भगवान वह भारत के चरणों में अपना जीवन अर्पित करें। और स्वामी जी ने क्या बोला था कि वह अपना भगवान अपना जो उन्होंने आग्रह किया कि भगवान वह भारत के चरणों में तुम अपना जीवन अर्पित कर दो। भगिनी निवेदिता ना निवेदिता ने विवेकानंद के उपदेशों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया, मतलब जन जन लोगों तक पहुंचाने का कार्य किया। करने के साथ साथ कलकत्ता में लड़कियों का एक स्कूल भी आरंभ किया, मतलब लोगों तक उनका जो स्वामी जी का उपदेश थे उनको लोगों तक पहुंचाया, और कलकत्ता में लड़कियों के लिए एक स्कूल भी खोला। वहाँ छोटी लड़कियाँ को पढ़ाने लिखाने के साथ साथ मिट्टी का काम, चित्रकारी का काम आदि भी सिखाया, मतलब वहाँ लड़कियों को पढ़ाया भी जाता था और साथ में कोई मिट्टी का काम और चित्रकारी का काम भी सिखाया जाता उस स्कूल में जो भगिनी निवेदिता ने खोला था। जब कलकत्ता में महामारी फैली तो निवेदिता ने टोली बनाकर दिन रात भूख प्यास की चिंता किए बिना रोगियों की चिकित्सा सेवा सफाई आदि कार्य कर पीड़ितों की मदद की। जब कलकत्ता में कोई महामारी फैली तो निवेदिता ने टोली बनाकर, मतलब सारी लड़कियों को इकट्ठा कर दिन रात भूख प्यास की चिंता किए बिना, मतलब भूखे रहकर उन्हें रोगियों की मदद की, सेवा सफाई आदि कार्य को पीड़ितों की मदद की। उन्होंने अंग्रेजी समाचार पत्रों में अपील प्रस्तारित कर मदद मांगी व धन संग्रह भी किया, मतलब उन्होंने अंग्रेजी समाचार पत्रों में अपील की प्रसारित कर मदद मांगी वह धन संग्रह किया, धन इकट्ठा किया, संग्रह मतलब इकट्ठा करना। वह लेखन कला एवं बोलने में निपुण थी, मतलब उन्हें लेखन कला और बोलने भी बहुत अच्छी थी, लिखना भी उन्हें अच्छा था। इस क्षमता का उपयोग कर वह अपनी बात बड़े बड़े समूहों तक पहुँचाने में सफल रही। इस क्षमता का उपयोग कर, मतलब उन्हें लेखन कला और बोलने में निपुण थी, इसके कारण वह अपनी बात बड़े बड़े समूहों तक पहुंचाने में सफल रही। निवेदिता ने जब अंग्रेजों का भारतीयों के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार देखा, तो वह पूर्ण ताकत के साथ भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई का समर्थन करने लगी। बर्बरता मतलब क्रूरतापूर्ण या दुष्टापूर्ण। तो वह पूर्ण ताकत के साथ भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई का समर्थन करने लगी कि स्वतंत्रता की लड़ाई में उनके साथ हुई। उन्होंने बंगाल विभाजन का विरोध किया, मतलब बंगाल विभाजन था उनका विरोध किया। उन्होंने जगदीश चंद्र बोस की उपलब्धियां विश्व पटल पर रखी और महर्षि अरविंद के जेल जाने के बाद उनके कर्मयोगी पत्र के लिए संपादकीय लिखने का कार्य भी करने लगी। उन्होंने जब जगदीश चंद्र उपलब्धियां विश्व पटल पर रखी और विश्व पटल में दुनिया के सामने रखी, उपलब्धियां किसकी? जगदीश चंद्र बोस की। और महर्षि अरविंद के जेल जाने के बाद उनके कर्मयोगी जो थे पत्र के लिए संपादकीय लिखने, मतलब संपादक द्वारा लिखा गया लिखने का कार्य भी करने लगी। उन्हें भारतीय स्त्रियां अधिक प्रभावित करती थी, जो उन्हें भारतीय स्त्री थी निवेदिता को, वो भारतीय स्त्रियां अधिक प्रभावित करती थी।
उन्हें लज्जा, विनम्रता, स्वाभिमान, सेवा भाव, निष्ठावान, मत्सव आदि की प्रतिभूमि दिखाई देती थी। स्वाभिमान समय पर अभिमान और मत्सव क्या होते हैं, ममता का भाव, तो आदि की प्रतिमूर्ति दिखाई देती थी। उनमें जो भारतीय स्त्री थी वह समय समय पर महिलाओं को लक्ष्मीबाई, अलीहाबाई के वीरतापूर्ण कार्यों की भी याद दिलाती थी। जो भगिनी थी वो उनको क्या करती थी, जो मार्गरेट थी वो उनको मतलब लक्ष्मीबाई की और अलीहाबाई के वीरतापूर्ण जो कार्य थे उनकी याद दिलाती थी। उनकी दृष्टि जाति, प्रांत व भाषा आदि के ऊपर थी। उनकी दृष्टि क्या थी, जाति, प्रांत व भाषा आदि के ऊपर थी। भगिनी निवेदिता ने भारत को अपनाने के बाद कभी भी अनुभव नहीं होने दिया कि वह एक विदेशी है। मतलब जब उन्होंने भारत को अपना लिया तब उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं अनुभव नहीं होने दिया कि वह एक विदेशी है। उन्होंने भारत के लिए जो किया उसे कोई अन्य नहीं कर सकता था। जिन्होंने भारत के लिए किया वो कोई और नहीं कर सकता था। वह भी स्वामी जी की तरह 44 वर्ष की अल्पायु में नीचे उद्धर्त वेद की पावन ऋतुएँ रचाओं का सदैव स्मरण करती हुई संसार से विदा हो गई। मतलब 44 वर्ष की जब उसकी आयु थी तो वह उद्धृत वेद की पावन रचाओं का सदैव स्मरण करती हुई संसार से चली गई। इस संसार से चली गई लिखी हुई जो उद्धृत मतलब लिखी हुई पावन पवित्र, अत्सो माँ सदगम्य, तमसो माँ ज्योति गम्य, मृत्यो माँ अमृत गम्य। ये क्या हो गया, अस्तो मतलब असत्य, तमसो अंधकार, ज्योतिमय प्रकाश की ओर गमन करें, मृत्युमो मृत्यु से ओर गम्य गमन करें। ओके, ये आपको रीड करना है।